हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। जैसे कि आपको पता है, लगातार RRB ALP को लेके हम टारगेट करते हैं और यहाँ से उस सब महत्वपूर्ण जानकारी को लेते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी संदर्भ में अगर मैं आज की बात करूँ तो आज का टॉपिक है कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो सिलेबस है इसका क्या है। और बच्चे इससे बहुत खौफ खाते हैं कि ये बहुत टफ है, बहुत ऐसा है। बिल्कुल कुछ नहीं है, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। क्या इसका एग्जाम में वेटेज होने वाला है, किस पार्ट में आते हैं और कितना आसान सिलेबस है जो आपको डरने को डर जाते हो, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, ना ही किसी से डरना है जी। अगर मैं बात करूं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो होता है, ये आपको CBT 2 के अंदर आता है। आइए मैं चर्चा कर लेता हूं CBT 2 जो कि आपके क्वालिफाइंग जो मेरिट बनाता है आपके एग्जाम में, तो कहां पे है और किस तरीके के इनके सिलेबस होते हैं, यहां मैं बात चर्चा करूं। देखिए CBT 2 CBT 1 जैसे आप क्वालिफाई कर जाते हो, इसके मार्क्स तो जुड़ते नहीं है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर होने के बाद पार्ट ए में, CBT 2 के पार्ट ए में आपका ये सारे पेपर होते हैं और फिर आपका पार्ट बी हुई होता है जो कि ट्रेड होता है। ये ट्रेड, जैसे इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर है तो फिटर, तो ट्रेड है तो ट्रेड में भी क्वालिफाइंग है, आप क्वालिफाई करते हो 75 में। लेकिन ये जो पार्ट बी है ये कितने मार्क्स का होता है, टोटल जी 100 मार्क्स का होता है सर। 100 मार्क्स कैसे कैसे पूरा होता है, जो पार्ट ए में मैथ्स पढ़ के आते हो सेम सिलेबस यहां भी है, जो कि अगर मैं बात करूं तो वो है आपका 25 मार्क्स का, ठीक है। अब समझते जाइएगा, पार्ट बी के अंदर फिर रीजनिंग है, जो सिलेबस वही है पार्ट ए के अंदर भी, यहां पे आ रहा है 25 मार्क्स का, ओके। जबकि मैथ्स पहले पार्ट में 20 नंबर का ही आता है। अब यहां पर आ गया आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और इसका वेटेज जो है टोटल 40 नंबर का है। तो बच्चे इससे घबरा जाते हैं कि सर बहुत ज्यादा नंबर का है, क्या है, कैसे है इसमें, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा सिंपल तरीके से जानने की जरूरत है, बहुत अच्छे तरीके से मैं डिटेल में बताता हूं। देखिए, एक टॉपिक है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, दैट इज इंजीनियरिंग ड्रॉइंग। इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, ये इंजीनियरिंग में पेपर पढ़े जाते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के अगर मैं इतिहास बताऊं तो लास्ट टाइम किसी सेगमेंट में 2 नंबर का पूछा, किसी में 1 नंबर का पूछा, किसी में 3 नंबर का पूछा, इससे ज्यादा किसी पेपर में तो पूछा ही नहीं। तो नहीं पूछा तो बहुत ज्यादा इसमें डरने की बात नहीं है, इसमें 5-6 टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़ना है, हमको तैयार रहना। नहीं पूछा कोई दिक्कत नहीं, बट हमको तैयार रहना। उसके बाद देखिए इसकी आसानी लेवल किस तरीके से बढ़ता है, मैं आपको बताता हूं। यूनिट एनवायरमेंट आप फिजिक्स में पढ़ते हो, वर्क पावर एनर्जी आप फिजिक्स का हिस्सा है, स्पीड एंड वेलोसिटी फिजिक्स का हिस्सा है, हीट एंड टेम्परेचर फिजिक्स का हिस्सा है, मेजरमेंट्स ऑब्वियसली यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ते हैं हम लोग, है ना, मास वेट एंड डेंसिटी बिल्कुल फिजिक्स का हिस्सा है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फिजिक्स का हिस्सा है, लीवर एंड सिंपल मैकेनिक्स बिल्कुल आप फिजिक्स और साइंस इंजीनियरिंग का भी कह सकते हो, है ना, ऑक्यूपेशन ऑफ सेफ्टी हेल्थ ये कहीं भी आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ोगे ना ट्रेड, वहां भी ये पढ़ना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एकदम थोड़ा सा इकोनॉमिकल इकोनॉमिक्स वाला चीज है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन थोड़ा सा होना चाहिए जी। आईटी लिटरेसी एक अपने आप में कोर्स है जहां पे आपको डिजिटल लिटरेसी और उसके बाद एनवायरमेंटल लिटरेसी, है ना, ये सब चीज पढ़ने होते हैं। तो ये आपको कहां पे प्रॉब्लम आएगी जो अपने को पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे यहां पे, ठीक है ना। यहां पे आईटी लिटरेसी एक टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना, अमूमन इसके टॉपिक जल्दी नहीं मिलते, मैं भी इस टॉपिक को आपको करा दूंगा। इंजीनियरिंग ड्रॉइंग भी यहां पे कराया जाएगा, आपको झंझट नहीं होगा। और ये पूरा का पूरा फिजिक्स है जी, ये बाकी पूरा का पूरा क्या है जी, एक तरीके से फिजिक्स है ये, सेफ्टी और ये जो हेल्थ सेफ्टी, ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ सेफ्टी की बात जहां पे होती है, ये तो आप कहीं भी टॉपिक पढ़ते ही हो, एनवायरमेंटल के बारे में डिस्कस करते हो, बाकी पूरा फिजिक्स है। तो डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं, हाँ डरने की थोड़ी सी अगर बात है कि कोई बच्चा अगर न्यूमेरिकल से भागता है तो नहीं भागना पड़ेगा, ऐसे सेगमेंट में आपको न्यूमेरिकल भी मिलते हैं, यहां पर आपको न्यूमेरिकल्स यानी क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो बनाने होते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे एएलपी के अंदर। जो ये खास बात होती है, जब और किसी एग्जाम में जाते हो थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल पूछता है, लेकिन यहां पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आपसे वेलोसिटी निकालने के लिए पूछा जा सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन की स्पीड आपसे पूछा जा सकता है, आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा सकता है, है ना, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे, तो टोटल वही 40 नंबर के अप्रोक्स बैठता है। तो ध्यान रखें, बहुत ज्यादा इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर रेलवे ग्रुप यहां पर आपके लिए बैठा हुआ है, बिल्कुल बारीकी तरीके से एक एक चीज को यहां पर हम आपके लिए डील करने वाले हैं, कहीं से कोई परेशानी, कहीं से कोई झंझट आपको नहीं मिलने वाला है। तो यही बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का सारे
टॉपिक है जिसको मैंने अभी आपको दिखाया, तो एकदम डरने की कोई जरूरत नहीं है। 40 मार्क्स में अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं। हालांकि एक मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर किया जाए, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स वगैरह में थोड़ा 10 नंबर का दिया, तो सबसे बड़ा वेटेज तो 40 नंबर का है। पर इससे डरने की नहीं है, ये बहुत सिंपल तरीके से अपन आप आसानी से लाए जा सकते हैं। आपको यहाँ पे कहीं कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर कहीं कुछ नहीं करना है। इसके लिए आप देखेंगे कि रेलवे ग्रुप ऐप पे अभी ट्रेड के क्लासेस आपको मिल जाएंगे, मैथ्स के क्लास मिल जाएंगे, है ना, और बहुत जल्दी आपको मैथ्स मिल जाएंगे, रीजनिंग अवेलेबल है, ओके, बहुत जल्दी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्लासेस भी आपको मिलेंगे। बहुत जल्दी आपको इस चैनल पे लाइव आपको प्रैक्टिस सेट भी ट्रेड के मिलेंगे, साइंस के मिलेंगे, तो सारे क्लासेस अवेलेबल करा देंगे हम। इसीलिए इससे बिल्कुल नहीं डरना, आप बेशक ऐसे माहौल बना दिए जाते हैं जिससे आप डरते हो या डरने की कोशिश करते हो, बिल्कुल इससे डरना नहीं है। आप इसको पढ़ते हो, आए दिन पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो पढ़ा जा सकता है, बहुत टफ चैलेंज नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इस सेगमेंट को हम बेहतर तरीके से डील करेंगे, आप भी रहेंगे साथ इस प्लेटफॉर्म पे, हम लगातार आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे और क्लासेस भी यूट्यूब के साथ साथ ऐप पर चलते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी आपको मिल चुका होगा, फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी मन में सवाल हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू।